आपको तो पता ही होगा कि YouTube दुनिया का सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाने वाला वीडियो प्लेटफॉर्म है और आप भी YouTube का इस्तेमाल ज़रूर करते होंगे। ऐसे में अगर आप YouTube पर कुछ अच्छी चीज़ें और कुछ बुरी चीज़ें सर्च करते हो तो ये वीडियो ज़रूर आपको दिखना चाहिए, क्योंकि आज मैं आपको अपनी प्राइवेसी यानी कि YouTube की प्राइवेसी कैसे रखते हैं इसके बारे में बताने वाला हूँ। जब भी हम YouTube पर कुछ सर्च करते हो तो उसकी एक हिस्ट्री YouTube में क्रिएट होती रहती है। आपने कब कब क्या क्या सर्च किया ये सारी डिटेल YouTube की हिस्ट्री में मिल जाएगी। और तो और जो भी आप YouTube पर सर्च करते हो उसी के रिलेटेड कंटेंट भी देखने को मिल जाता है। ऐसे में अगर आपका फ़ोन कोई और ले लेता है और YouTube हिस्ट्री को चेक करता है तो उसको सारी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी जो भी आपने YouTube पर सर्च किया था। ऐसे में अगर आप चाहते हो जो भी आप YouTube पर सर्च करते हो वो किसी को ना दिखे, तो आज मैं आपको इसी का सॉल्यूशन बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप बड़ी आसानी से अपने मोबाइल में से YouTube की हिस्ट्री को डिलीट करते हैं या फिर YouTube की हिस्ट्री को किस तरह से सेफ रखते हैं दूसरों से। और मैं एक ट्रिक और बताने वाला हूँ कि किस तरह से आप YouTube पर कुछ भी सर्च करेंगे तो भी अपने YouTube की हिस्ट्री में वो सेव नहीं होगा। तो आइए जान लेते हैं। मेरा नाम है सचिन और आप देख रहे हैं थंडरटेक यूट्यूब चैनल। तो अपने मोबाइल से YouTube सर्च हिस्ट्री या फिर वॉच हिस्ट्री को डिलीट करने के लिए सबसे पहले आपको जाना पड़ेगा आपके YouTube में। YouTube में जाने के बाद ऊपर की तरफ राइट साइड में एक आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद आपको जाना पड़ेगा सेटिंग में। सेटिंग में जाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो हिस्ट्री एंड प्राइवेसी, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो क्लियर वॉच हिस्ट्री, यानी कि अभी तक आपने जो भी सर्च के वॉच किया है यूट्यूब पे वो डिलीट करना चाहते हो तो यहाँ पे आपको क्लियर वॉच हिस्ट्री पे क्लिक करना है। और यहाँ पे फिर से क्लियर वॉच हिस्ट्री पे क्लिक करके यहाँ पे देख सकते हो वॉच हिस्ट्री क्लियर करके पॉपअप आ जाएगा। इसी तरीके से आप बड़ी आसानी से क्लियर सर्च हिस्ट्री भी डिलीट कर सकते हो। तो आपको क्या करना पड़ेगा, क्लियर सर्च हिस्ट्री पे क्लिक करना है। जो भी आपने यूट्यूब पे सर्च किया है वो क्लियर करना चाहते हो, डिलीट करना चाहते हो तो इस पर आपको क्लिक करना है। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हो क्लियर सर्च हिस्ट्री, उस पर क्लिक करना है, वो भी क्लियर हो जाएगा। उसी तरीके से ये बाई डिफॉल्ट ऑफ रहता है, मैं आपको दिखाता हूँ। पॉज करना चाहते हो वॉच हिस्ट्री, मतलब जो भी आप वॉच करेंगे वो हिस्ट्री क्रिएट ना हो ऐसा आप चाहते हो तो यहाँ पर आपको इसे इनेबल करना है और पॉज करना है। उसके बाद जो भी आप यूट्यूब पर वीडियो देखेंगे उसकी हिस्ट्री वॉच हिस्ट्री क्रिएट नहीं होगी। उसी तरीके से अगर आप यहाँ पे इनेबल करते हो पॉज सर्च हिस्ट्री को तो आप जो भी सर्च करेंगे यूट्यूब पे उसकी सर्च हिस्ट्री भी क्रिएट नहीं होगी। तो कुछ इस तरह से आप बड़ी आसानी से यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री वॉच हिस्ट्री को डिलीट या फिर पॉज कर सकते हो। और एक मैं आपको एक तरीका बताने वाला हूँ कि जिसके ज़रिए आप बड़ी आसानी से यूट्यूब पर सर्च कर सकते हो और कोई भी वॉच हिस्ट्री या फिर कोई भी सर्च हिस्ट्री क्रिएट नहीं होगी और आपको पॉज करने की भी ज़रूरत नहीं। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, आपको फिर से यहाँ पे आपका राइट साइड में एक आइकन दिखाई देगा, उस पर क्लिक करना है। और यहाँ पे आप देख सकते हो टर्न ऑन इनकॉग्निटो टैप करके होता है, उस पर क्लिक करना है। उस पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप जो भी सर्च करेंगे या फिर यहाँ पे कुछ भी देखेंगे वॉच करेंगे तो उसकी हिस्ट्री क्रिएट नहीं होगी। और इसे बंद करने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे एक आइकन दिखाई देगा राइट साइड में ऊपर की तरफ और टर्न ऑफ इनकॉग्निटो। तो इसके बाद आपकी जो भी हिस्ट्री थी वो क्रिएट नहीं होगी और वॉच हिस्ट्री थी वो भी क्रिएट नहीं होगी। तो कुछ इस तरह से आप बड़ी आसानी से यूट्यूब की सर्च हिस्ट्री या फिर वॉच हिस्ट्री को डिलीट या फिर पॉज कर सकते हो। तो मुझे उम्मीद है ये छोटी सी जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं ऐसे ही नए इंटरेस्टिंग जानकारी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।